नमस्ते, वेलकम टू क्रिएटिव फैशन। आज हम बनाना सीखेंगे ओरिगामी स्लीव। बहुत ही आसान तरीके से ये बनती है, दिखने में भी उतनी ही अट्रैक्टिव लगती है। ब्लाउज में, ड्रेस में, कुर्ती में, किसी भी आउटफिट में आप इसको लगा सकते हो। पहनने के बाद इसका लुक पूछिएगा मत। मुझे बहुत पसंद है ये स्लीव। आई होप आपको सीखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगे अपनी बेसिक स्लीव पैटर्न, यानी आप जिस तरह से नॉर्मल स्लीव कट करते हो उस तरह से कागज के ऊपर कट करके लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने सेंटर बनाया है इसका। इसकी लंबाई मैंने 4.5 इंच ली है। अब सेंटर से एक साइड में हम 2 इंच पर मार्क करेंगे, उसी प्रकार दूसरी साइड में भी हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। 2-2 इंच पर मैंने मार्क किया और उसके बाद ये लाइन हम नीचे की तरफ जोड़ देंगे। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 2-2 इंच। अब हम 1.5-1.5 इंच पर मार्क करेंगे, यानी 1.5 इंच पर। तो इस साइड में भी 1.5 इंच और इस साइड में भी 1.5 इंच, यानी 1.5-1.5 इंच पर हमने मार्क किया। और इस मार्किंग के भी हम लाइन बनाएंगे इस तरह से। ये सारे लाइन हमारे सेंटर की ओर, नीचे की ओर मिलेंगे। अब हम लेंगे 1 इंच पर मार्क, इस साइड में भी 1 इंच पर, और ये लाइन नीचे की तरफ बना देंगे। तो देखिए, हमने पहले 2-2 इंच किया, फिर हमने 1.5-1.5 इंच किया, फिर हमने 1-1 इंच किया। आधा आधा इंच का डिफरेंस छोड़ते हुए हमने ये मार्क किया। बच्चों के लिए स्लीव बना रहे हो तो यहाँ पर हमने जो मार्क किया है उससे आधा आधा इंच कम लीजिएगा। अब हम यहाँ पर इस तरह से लाइन को कट करेंगे, तो सेंटर में कट नहीं करेंगे, जो साइड में लाइन है वो हम कट करते जाएंगे इस तरह से। पूरी तरह से कट नहीं करना है, लास्ट में थोड़ा सा जुड़ा हुआ रखेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर मैंने पूरे लाइंस कट कर दिए। अब इसको कपड़े के ऊपर रखेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कपड़ा हमें कितना लगता है। तो देखिए, ये मेरी स्लीव मैंने रखी है और यहाँ पर फोल्ड करके कपड़ा लिया है। तो हमारी जितनी स्लीव की लंबाई है उससे 1.5 इंच नीचे की तरफ एक्स्ट्रा लीजिएगा, साइड में भी 1.5-1.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। अब इस कपड़े को हम खोल देंगे। खोलने के बाद स्लीव को सेंटर में बराबर से रखेंगे, नीचे से ऊपर रखिएगा 1.5 से 2 इंच तक, और यहाँ पर सेंटर में बराबर से पिन लगा देंगे। अब एक एक जो इसका पैनल है स्लीव का, वो मैंने पहले का पैनल 3 इंच तक फैलाया, यानी स्प्रेड किया, और यहाँ पर पिन लगा दी। अब इस साइड का जो पैनल है उसको भी मैं 3 इंच तक फैलाऊंगी और वहां पर भी मैं पिन लगा दूंगी। तो देखो, पहले दो पैनल मैंने 3-3 इंच तक फैलाए, अब जो दूसरा पैनल है उसको भी मैं 3 इंच तक फैलाऊंगी। और यहां पर भी मैं पिन लगा दूंगी। सेम इस साइड में भी, यहां पर भी हम 3 इंच तक फैलाएंगे और यहां पर भी मैं पिन लगा दूंगी। पिन लगाने से ये इधर उधर नहीं भागेगा। अब रह गए हैं लास्ट के पैनल, तो वो मैं फैलाऊंगी 2 इंच तक। तो यहां पर मैं 2 इंच तक फैलाऊंगी और यहां पर भी मैं पिन लगा दूंगी। तो जहां पर मैंने 3 इंच लिया है, तो बच्चों के लिए आप 2 इंच लीजिएगा। जहां पर मैंने 2 इंच लिया है वहां पर आप बच्चों के लिए 1 से 1.5 इंच लीजिएगा। इस साइड में भी मैं 2 इंच फैलाऊंगी और यहां पर भी मैं पिन लगा दूंगी। ये पूरी तरह से सेट हो गया। आप एक बार देख लीजिएगा मैंने कहां पर कितना फैलाया है। अब देखो, ऊपर की तरफ हमने स्लीव का सिलाई मार्जिन नहीं लिया था, तो यहां पर मैं 1/2 इंच ऊपर इस तरह से सिलाई मार्जिन लेते हुए मार्क करूंगी। साइड से जितना है उतना ही लेना है और इस तरह से हमें ये निशान बनाना है। सिर्फ मैंने स्लीव के ऊपर की तरफ 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लिया है, बाकी मैंने जैसा है वैसा ड्रॉ कर दिया है।
अब ये जो पैनल है, इस पैनल के निशान बनाने हैं नीचे की तरफ। सारे पैनल के निशान बना कर लीजिएगा। अब ऊपर की तरफ भी निशान बना दीजिएगा, जहाँ पर हमने पैनल के कट लगाए हैं वहाँ पर हम इस तरह से निशान बनाएंगे। सेंटर का निशान भी बना दीजिएगा। तो ये दोनों निशान बन गए। अब इसका कटिंग करेंगे। कटिंग करते समय मैंने साइड से और नीचे से 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और इसको कट किया है। बाकी ऊपर की ओर हमने जिस तरह से मार्क किया था वैसा ही कट करना है। तो इस स्लीव में अगर आप लाइनिंग लगाना चाहते हो तो जिस तरह से हमने ये पैटर्न कट किया है सेम उसी तरीके से आपको लाइनिंग का कपड़ा भी कट करके लेना है। दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर चारों ओर से सिलाई लगा कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर लाइनिंग नहीं लगा रही, तो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ नीचे की तरफ 2 इंच और साइड में भी मैंने 2-2 इंच छोड़ा है सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर है सेंटर लाइन, तो सेंटर लाइन के साइड में जो हमने पॉइंट्स लगाए थे उनको इस तरह से पकड़ना है। ऊपर के ओर का भी पॉइंट पकड़िएगा और इस तरह से प्लीट बनाइएगा। यहाँ पर अच्छे से लाइन को मिला दीजिएगा नीचे की ओर और ये प्लीट इस तरह से तिरछी बनेगी। इसके ऊपर पिन लगा दीजिएगा और इसको अच्छे से सेट कर दीजिएगा। अब इस साइड का ऊपर का पॉइंट और नीचे का पॉइंट यानी मार्क दोनों पकड़ेंगे और यहाँ पर भी इस तरह से प्लीट बनाएंगे। तो प्लीट बनाते समय जो नीचे की तरफ की जो लाइन है वो ऊपर नीचे ना हो, देखो ऊपर की तरफ ना जाए नीचे की तरफ ना जाए, बराबर से आमने सामने आए। इस तरह से ये प्लीट को भी हम सेट करेंगे और यहाँ पर भी पिन लगा देंगे। 2 प्लीट्स हमने बना दिए। अब यहाँ पर भी ऊपर और नीचे दोनों का मार्क पकड़ेंगे, पॉइंट पकड़ेंगे और यहाँ पर भी प्लीट बनाएंगे। तो ये प्लीट भी हम सेंटर में लाकर छोड़ेंगे। ध्यान रखिएगा नीचे की तरफ जो लाइन है वो बराबर से मिलनी चाहिए। अब इस साइड के भी प्लीट बनाते हैं। ऊपर और नीचे दोनों तरफ अच्छे से पकड़ेंगे और यहाँ पर इसको सेंटर में लाकर रखेंगे। देखिए लाइन अच्छे से आमने सामने होनी चाहिए। यहाँ पर भी पिन लगाकर सेट करेंगे। अब एक आखिरी प्लीट दोनों साइड की होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर ये ऊपर का निशान ना भी पकड़े तो भी चलेगा, क्योंकि ये लास्ट की प्लीट है। सिर्फ नीचे की ओर पकड़िएगा और इसको भी सेंटर में लाके रख दीजिएगा। यहां पर भी हम पिन लगाएंगे। अब इस साइड की एक प्लेट रह गई है, उसको भी हम लेते हैं। इस तरह से नीचे की तरफ पकड़ेंगे और इसको भी सेंटर में लाकर रखेंगे इस तरह से। यहाँ पर भी पिन से सेट करेंगे। सारे प्लीट्स हमने बना दिए। 3-3 प्लीट्स एक एक साइड में आए हैं, पूरे 6 प्लीट्स बने हैं। सारे सेंटर में लाकर सेट करने के बाद अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो सेंटर से 1.5 से 2 इंच की दूरी से शुरू कीजिएगा सिलाई। पिन को निकालते हुए इसको हम सिलाई लगाएंगे। इससे सारे प्लीट हमारे यहाँ पर स्टिच हो गए। देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाई है। अब ये स्लीव हमारी रेडी है। अब जो लाइन हमने बनाई थी उसके नीचे 1/2 इंच छोड़िएगा और बाकी का कपड़ा कट कर दीजिएगा। अब नीचे की तरफ पट्टी लगाने के लिए 2 इंच की मैंने चौड़ी पट्टी ले ली है। इसको मैंने नीचे की तरफ रखा है और उसके ऊपर स्लीव रखकर सिलाई लगाएंगे। तो पट्टी की सीधी साइड ऊपर की तरफ होगी और ये भी हमारी स्लीव की सीधी साइड ऊपर की तरफ होगी। नीचे की तरफ पट्टी रखी है और जहां पर हमने लाइन खींची है वहां से हम सिलाई को शुरू करेंगे। उस लाइन के ऊपर से हम बराबर से सिलाई लगाएंगे। पट्टी ज्वाइंट हो चुकी है। ज्वाइंट हो जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा स्लीव को कर्व होता है, इसलिए हम यहाँ पर नॉचेस लगाएंगे।
अब इस पट्टी को खोलेंगे और इसको ऊपर की तरफ मोड़ेंगे। इस तरह से एक बार मोड़ेंगे, फिर से एक बार इसको मोड़ते हुए इस तरह से रखेंगे और यहां पर हम सिलाई लेंगे। तो ये नीचे की फिनिशिंग हो जाएगी स्लीव की। इसको डबल फोल्ड करते हुए हम, आप पाइपिंग भी बोल सकते हो या पट्टी भी बोल सकते हो, इस तरह से अटैच करेंगे। बनाने में आसान है, जल्दी बन जाती है, कुछ हटके लुक मिलता है हमें और एक हमारे आउटफिट को अट्रैक्टिव बना देता है। तो ये स्लीव आप जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये स्लीव। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही में बेल के बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखो पट्टी बनके रेडी है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसके ऊपर लेस लगाऊंगी। मेरा यहाँ पर व्हाइट यानी फेंट कपड़ा है तो मैंने लेस भी फेंट कलर की ही ली है। इस तरह से मैं लेस को एक बार सिलाई लगा कर लूंगी। अब फिर से एक बार नीचे की तरफ एक सिलाई लगाऊंगी। ऊपर और नीचे दोनों तरफ सिलाई लगाकर इस लेस को मैंने अटैच किया। स्लीव तैयार हो जाने के बाद इस तरह से दिखेगी, बिल्कुल हमारी नॉर्मल स्लीव की तरह। इसको मैंने सेंटर में फोल्ड किया। अब आप देख सकते हो इसका ये बैक साइड है और ये वाला फ्रंट साइड है। तो बैक को बैक और फ्रंट को फ्रंट मिलाते हुए इस स्लीव को हम ज्वाइंट करेंगे। तो चलो देखते हैं। तो ये देखिए, ये फ्रंट साइड है जो मैं फ्रंट को ज्वाइंट करूंगी। तो यहाँ से एक साइड से शुरू करते हैं या फिर सेंटर से भी आप शुरू कर सकते हो स्लीव लगाना। एक साइड से मैंने शुरू किया, बिल्कुल हमारी नॉर्मल स्लीव की तरह ये अटैच होती है। अब अटैच करते समय आप सोच रहे होंगे क्या ऊपर की तरफ प्लीट्स आते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ये पूरी तरह से प्लेन बैठेगी ऊपर की तरफ। आप देख सकते हो वीडियो में ऊपर की तरफ हमारी एक भी चुन्नट या प्लीट नहीं आएगी, ये बिल्कुल प्लेन बैठेगी जिस तरह से हम नॉर्मल स्लीव अटैच करते। तो मैंने यहाँ पर स्लीव को अटैच कर दिया बिल्कुल हमारी सिंपल स्लीव की तरह और आप देख सकते हो ऊपर की तरफ एक भी प्लीट्स नहीं आएगी। इस तरह से ये स्लीव अटैच हो चुकी है और बिल्कुल सिंपल यानी नॉर्मल स्लीव की तरह ही इसका फिटिंग कर दीजिएगा। तो इस प्रकार ये स्लीव हमारी यहाँ पर रेडी होती है। आई होप ये पूरा ट्यूटोरियल आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा। तो देखिए ये स्लीव रेडी है। अब इसके सेंटर में आप कोई भी पैच या शो बटन या मोती लटकन कुछ भी लगा सकते हो और इसको अट्रैक्टिव बना सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में नए इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल के साथ। बाय बाय।